कोई बहस न कोई ज्ञान, सीधा सीधा लो संज्ञान। समय के अभाव में सबसे पहले मैं हनुमान स्वामी जिनका आज जन्म दिवस है, उनके पराक्रम के बारे में चार पंक्तियां सीधे आपको समर्पित करता हूं। और यहां पर भजना भूषण मिथिला ठाकुर बिटिया भी बैठी हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है मंच पर। हमारे साथ राजेश गौतम जी, जिन्होंने विवेक का प्रयोग करते हुए इस पावन भूमि पर इस तरह का कार्यक्रम रखा है कि जहां वक्ता से श्रोता की, श्रोता से वक्ता की, और श्रोता और वक्ता से पूरे सभा की शोभा बढ़ रही है। श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है कि ज्वलन ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, ज्वलन ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था, अनंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए अराति पर असह्य अग्नि दृष्टि डालते हुए उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई और कपीस के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। आज जबकि मोदी जी, योगी जी अयोध्या में उपस्थित हैं, तो राजेश गौतम जी का आदरणीय बड़े भाई सीताराम जी का और तमाम विधायक गण का और मंच पर भजन सम्राट से लेकर के भजन आभूषण तक की जो उपस्थिति है हनुमान जी के स्थल पर यहाँ पर विजित हुआ महावीरन पर, तो उसके लिए मैं अपनी राजनीति गंभीर विषय से दो पंक्तियां मैं सुनाऊंगा सिर्फ। सागर मंथन सिर्फ देवता लोग कहाँ कर पाते हैं, बड़े काम में असुरों से भी सेवा लेना छोड़ न देना। और राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ न देना। अगली दो पंक्तियां हैं, और सिर्फ दो पंक्तियां कि हम जब कहते हैं कि कई काम सेवक अपने ही स्तर से कर देते हैं, कई काम सेवक अपने ही स्तर से कर देते हैं, रामचंद्र से काम रहे तो हनुमानों को छोड़ न देना। और राजनीति गंभीर विषय है, नादानों पर छोड़ न देना। ये बहुत ही जब जहां पर भजन होती है, हम लोग कहते हैं कि साहित्य संगीत और कला से विहीन जो है वह पशु है, लेकिन साहित्य संगीत और कला जिसमें तीनों है वह मनुज है, देवता है। और भजन में साहित्य भी होता है, संगीत भी होती है, और कला भी होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साहित्य संगीत कला जब अलग अलग आदमी को मनुष्य बना देते हैं, तो साहित्य संगीत कला तीनों का समन्वय जिसको मैं भजन कहता हूँ, वह जो है सीधे सीधे हम लोगों को देवता तत्व की तरफ संवर्धित करता है। मैं इसी के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको प्रणाम, संपूर्ण मंच को प्रणाम, और जनता जनार्दन को, जो भी भक्त जन आए हैं सबको मेरा प्रणाम।